हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज हम देखेंगे आपके पार्टनर्स आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, उनके इमोशंस क्या हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, आपको लेकर क्या करंट एनर्जी में हैं आपके पार्टनर्स, उनका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा। बिकॉज नेक्स्ट मूव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी इंसान फील तो कर लेता है, बट द मेन पॉइंट इज कि वो एक्शन लेगा क्या लेगा। बिकॉज ऑल आर डिपेंड ऑन द नेक्स्ट एक्शन, और उसका नेक्स्ट मूव पे डिपेंड करता है कि वो पर्सन क्या कुछ कर सकता है या क्या उसके अंदर कोई एबिलिटी है एक्शन लेने की। और ये मेन चीज हम देखेंगे, ठीक है ना। सो क्या क्या फील कर रहे हैं और नेक्स्ट मूव क्या लेंगे आपकी तरफ, क्या आपके पास आएंगे नहीं आएंगे। आपके दरमियान कोई भी सिचुएशन चल रही है, डेफिनेटली आपके दरमियान कुछ अच्छा नहीं चल रहा, ब्लॉक सिचुएशन है, सेपरेशन चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट जोन चल रहा है, तो आप उनके लिए रीडिंग को देख सकते हैं। ये पर्सन कोई भी हो सकता है, आपका एक्स, आपका फियोंसी, आपका लवर, आपका हस्बैंड, आपका वाइफ, इट कुड बी एनीवन। बट याद रहे ये क्रश की रीडिंग नहीं है। क्रश की रीडिंग अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे सेकंड चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, टैरो 313 हिंदी उर्दू के नाम से मेरा चैनल है, ठीक है। सो सर्च ऑन द यूट्यूब, डेफिनेटली यू विल गाइज गेट माई चैनल इजीली। नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अपने पर्सन पे फोकस करिए। चैनल पे न्यू है, मस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव। इसी तरह ही गाइस मुझे सपोर्ट करते रहिए, मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी रीडिंग लेकर आती रहूंगी। एंड मुझे मेरे इंस्टा और फेसबुक पे भी मस्ट फॉलो करिए। उन सब के जो अकाउंट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सो प्लीज चेक इट आउट। नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अपने पर्सन पे फोकस रखिए, पॉजिटिव रहिए, देखेंगे उनकी क्या फीलिंग्स हैं, आपके पार्टनर्स आपके लिए करंटली इस टाइम कैसा महसूस कर रहे हैं। जी जो भी कोई पर्सन है जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं, उनके करंट इमोशंस, करंट फीलिंग्स क्या हैं आप लोगों को लेकर, लेट्स सी। फोकस करिए अपने पर्सन पे, स्टे पॉजिटिव, स्टे फोकस्ड एंड थिंक अबाउट द पर्सन यू गाइस वांट टू नो व्हाट आर द फीलिंग्स फॉर यू। फर्स्ट वी हैव जस्टिस लिब्रा, देन वी हैव हाई प्रिस्टिस अमेजिंग, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो की एनर्जी है यहाँ पे, कैंसर पाइसिस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है स्पेशली पाइसिस। देन वी हैव द एम्परर, बैक टू बैक मेजर अर्काना की एनर्जी है हमारे पास, 24 एज हो सकती है, 22 आपके लिए 11 नंबर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है इस पर्सन का, यहाँ पे 2-4 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। देन वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, एरिस की एनर्जी है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन पाइसिस लिब्रा अभी तक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं मुझे। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास पेज ऑफ कप्स, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। या डेफिनेटली गाइस मुझे लगता है ये पर्सन आपको गुस्से में छोड़ के गया है। या नाइट ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स, इनकी आपके साथ काफी अच्छी फ्रेंडशिप भी हो सकती है। यस, अब ये पर्सन जो है ना काफी ज्यादा अपने आप को लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, इनको लग रहा है जैसे आपने आप काफी दूर जा चुके हो, इन्होंने जिस तरह से आपसे बैक ऑफ किया है, या इस पर्सन ने आपसे जिस तरह से नो कॉन्टैक्ट जोन किया है, ये काफ़ी बुरी तरह से इन्होंने गुस्से में आपको छोड़ा है। इस पर्सन ने एग्रेसिव होके, इम्पल्सिव होके आपसे बातचीत करना बंद कर दी, और अभी इनको काफ़ी बुरा फील हो रहा है। यहाँ तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा चाहते थे कि ये आपसे बात करें, और ये आपको टाइम नहीं दे पा रहे थे, मे बी दे वर बिजी इन देयर वर्क, दैट्स व्हाई। बट अभी ये आपके पास आना चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, डेफिनेटली दिस पर्सन रियली वांट्स टू स्टार्ट समथिंग न्यू, समथिंग फ्रेश। आई फील लाइक विद द फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस, दिस पर्सन इज फेसिंग देयर ओन कार्मा, अपने कार्मा फील कर रहे, कार्मा फेस कर रहे हैं, और इस पर्सन को फील हो रहा है कि इसने जैसा आपके साथ बुरा किया है, इसको उस चीज का जो है अब वो भुगतना पड़ रहा है, वो चीज इस पर्सन को फेस करनी पड़ रही है। यस, बट Definitely there is something hidden from you. काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों से छुपी हुई हैं, आपको नहीं पता। मे बी आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, किसी के साथ मैरिड है, या अगर ये मैरिड नहीं है किसी और के साथ, तो मे बी यू गाइज आर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर योर ओन हस्बैंड और वाइफ, और ये काफ़ी मिस कर रहे हैं। अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग को देख रहे हैं और इस टाइम आपका सेपरेशन चल रहा है, या किसी तरह से कोई डिवोर्स केस चल रहा है, तो ये आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी हैं, ये आप बच्चों को बहुत मिस कर रहे हैं, आपके बच्चे हैं तो, या और आप ये रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं डेफिनेटली।
इनके इमोशंस काफी ज्यादा आपसे छुपे हुए हैं, दिस पर्सन इज हाइडिंग देयर इमोशंस, इनको लग रहा है जैसे आपने अपने आप को काफी क्लोज ऑफ कर लिया है, उस वजह से ये भी अपने इमोशंस को काफी ज्यादा यू नो होल्ड ऑन किया हुआ इन्होंने अपने इमोशंस पे, बट ये आपके साथ कनेक्शन पे वर्क करना चाहते हैं। दिस पर्सन इज रेडी टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप, ऑन दिस कनेक्शन, या बिकॉज यहाँ पे एनर्जी है, ये आना चाहते हैं। जिस तरह बहुत जल्दी से ये काफी पोजेसिव होके, इम्पल्सिव होके आपको छोड़ के गए हैं, उसी तरह से ये वापस आने की तैयारी कर रहे हैं, या बिकॉज यहाँ तो गाइज आप लोग पास्ट में इन पे काफी ज्यादा कोडिपेंड हो रहे थे, काफी आप इसको चेस कर रहे थे, ये पर्सन रन कर रहा था, आप चेस कर रहे थे, ठीक है, और उस वजह से शायद इन्होंने तंग आके आप लोगों से ब्रेकअप कर लिया, या फिर किसी तरह से शायद अगर आपके हस्बैंड या वाइफ हैं तो ये आपको टाइम नहीं दे पा रहे थे, डेफिनेटली दे वर ऑक्यूपाइड इन देयर बिजनेस और जॉब, उस वजह से टाइम ना देने की वजह से शायद आपको कोई इश्यू हुआ, आप चाह रहे थे ये आपको टाइम दें, आपके साथ टाइम स्पेंड करें, आपके बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, लेकिन शायद उस वजह से आपका सेपरेशन अभी चल रहा है। कुछ लोग हो सकता है आपका लीगल इशू चल रहा है, बट समथिंग हिडन, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपसे छुपी हुई हैं, वो डिवाइन टाइमिंग के ऊपर आपके सामने डिस्क्लोज होंगी, अभी कुछ भी नहीं यहाँ पे कहा जा सकता, बट ये पर्सन जो है ये आपके साथ इस कनेक्शन पे डेफिनेटली वर्क करना चाहते हैं। दिस पर्सन इज रेडी, दैट्स व्हाई ये आना चाहते हैं आप लोगों के पास, क्योंकि आपसे दूर नहीं रह पा रहे, इनको लग रहा है जैसे आप लोग अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हो, अपनी लाइफ आप इंजॉय कर रहे हो, नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, यू गाइज आर डेफिनेटली वेरी इंडिपेंडेंट, या आप सब कुछ अपने लिए खुद दो, आपको नहीं इस पर्सन की जरूरत, बट इनको आपकी जरूरत है। यस, नाइन ऑफ वांड्स, स्टिल दिस पर्सन वांट्स टू ट्राई टू रीच आउट टू यू गाइस, हो सकता है इन्होंने पहले भी कोशिश की है काफी आपको अप्रोच करने की, बट शायद आपने बात नहीं की, या आप शायद काफी हर्ट हो उस वजह से आप बात नहीं करना चाहते, बट स्टिल ये कोशिश करना चाहते हैं, ये हिम्मत नहीं हारना चाहते। इनकी एज 25, 28, 24, 22, कुछ लोगों की 30 प्लस एज और 40 प्लस भी हो सकती है। ओके, नाउ लेट्स सी मोर, बट ये आपके साथ फेयर डिसीजन करना चाहते हैं गाइस, पहले इन्होंने कुछ भी फेयर नहीं किया आपके साथ, बट नाउ जब ये आएंगे तो डेफिनेटली आपके साथ जो है वो फेयर करेंगे सब कुछ, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इस पर्सन ने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, और हो सकता है आप यूनिवर्स से प्रे भी यही कर रहे हो कि आपके साथ जस्टिस किया जाए, ये पर्सन अपना कार्मा फेस करे, तो वही चीजें हो रही हैं। मुझे लग रहा है जैसे पास्ट में आप इस पर्सन के पीछे भाग रहे थे, ये पैसे के पीछे भाग रहा था या बट अभी सिचुएशन ये है कि पैसा भी नहीं इस पर्सन के पास आ रहा, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज भी काफी फेस करनी पड़ रही हैं, और आपको भी काफी ज्यादा ये पर्सन मिस कर रहा है, इसको लग रहा है जैसे आपकी कोई बदवा लग गई है इसको या डेफिनेटली या ना चाहते आपकी तरफ, आपको स्टेबिलिटी की कमिटमेंट देने, बिकॉज यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है एंड हमारे पास एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये आके आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं कनेक्शन। लेट्स सी मोर, क्या फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की, सो दिस इज आर ट्रू लव ओरेकल, इससे पहले कोई कमेंट में पूछे मैं पहले बता देती हूँ। देन वी हैव सोलमेट, सो लव्ड इट, दिस इज योर सोलमेट गाइज, बिकॉज यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी भी है और सोलमेट की एनर्जी भी है, इस पर्सन को आपके साथ एक लाइफ का सोल कॉन्ट्रैक्ट फील हो रहा है, और इनको लगता है आप दोनों एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट हो। यस, ये आपको बहुत ज्यादा पसंद भी करते हैं गाइस, कुछ लोगों का ये ऐसा पर्सन है जिसने शायद अभी तक आपको इमोशंस एक्सप्रेस नहीं किए, जैसे एक सही वे में एक्सप्रेस करते हैं वो नहीं किए, बिकॉज मुझे लग रहा है दिस इज योर फ्रेंड, सम ऑफ यू, कुछ लोगों का ये फ्रेंड है और ये आपका लाइक सीक्रेटली एडमायर है, आपको सीक्रेटली पसंद करते हैं, सीक्रेटली इनको आप पे क्रश है, लेकिन अभी आपको इमोशंस बताए नहीं है इन्होंने,
सोलमेट की एनर्जी है, डेफिनेटली दिस पर्सन इज योर सोलमेट। इनको कनेक्शन फील हो रहा है एक सोलमेट का, आपसे बात करके इनको अच्छा फील होता था, इनको लगता है आप इनको अच्छे से समझ सकते हो, इस कनेक्शन को ये पर्सन समझ रहा है बहुत अच्छे से। 33 इनकी अपनी एज हो सकती है, यहाँ पर डबल मास्टर नंबर 33 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 6 भी किसी तरह से इंपॉर्टेंट हो सकता है। देन वी हैव अबंडेंस, यस नंबर 1 की एनर्जी है, ये आपके कनेक्शन में ग्रोथ चाहते हैं गाइस। दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स कि आपके साथ जिंदगी की हर चीज़ को एंजॉय किया जाए। आप जब इनकी लाइफ में आओगे, क्योंकि ये सोलमेट का कनेक्शन है, जब आप आओगे तो इस पर्सन की लव, लक, रोमांस सब कुछ ओपन हो जाएगा इसकी लाइफ में, एक ग्रोथ दिखेगी इनको। फाइनेंशियली अगर डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही है तो इनको लगता है ये सब कुछ चीज़ें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको लग रहा है आपके साथ इन्होंने अनफेयर किया है, आपके साथ अच्छा नहीं किया, उस वजह से ये सब कुछ इनको फेस करना पड़ रहा है और ये रेडी हो रहे हैं अभी आपके पास आने के लिए। ये कनेक्शन भी बिल्कुल वर्क करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं सब कुछ। नंबर 16 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 1 किसी तरह से इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 33 की एनर्जी है। हमारे पास है यहाँ पे रिपेरेंटिंग योर सेल्फ। यस दिस पर्सन फील्स गाइस कि शायद अगर आप हस्बैंड वाइफ हो और आपके दरमियान सेपरेशन चल रहा है तो इनको लग रहा है जैसे आपके बच्चों को आपकी ज़रूरत है, तो उस वजह से यहाँ पे डेफिनेटली आप नहीं छोड़ सकते हो। यस आपकी सेपरेशन की वजह से अगर आप हस्बैंड और वाइफ हो तो उस वजह से आपके बच्चों को जो है यहाँ पे काफ़ी कुछ सफ़र करना पड़ रहा है, तो आप वो आपके पार्टनर नहीं चाहते कि इस तरह से आपके बच्चों को अलग अलग एक किसी तरह से मदर या फादर के प्यार से जो है वो अधूरा रखा जाए या दूर रखा जाए। 25 एज हो सकती है, नंबर 7 किसी तरह से इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आपकी हस्बैंड वाइफ नहीं है, यू गाइज आर सिंगल, दिस पर्सन इज ऑल्सो सिंगल, तो ये इनको लग रहा है जैसे आप इनको एक ऐसा प्यार देते हो जो एक मदर फादर अपने बच्चों को देता है प्यार, दैट्स वाई इनको सोलमेट कनेक्शन फील होता है कि आप इनकी काफ़ी अच्छे से केयर कर सकते हो, काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो, वट एवर दिस पर्सन इज मेल और फीमेल और यू आर फीमेल और मेल, बट इनको लगता है आप इनको एक जैसे बहुत ही केयर करते हैं ना पेरेंट्स अपने बच्चों की, वैसे इनको लगता है जैसे आप ट्रीट करते हो, तो डेफिनेटली ये चाहते हैं मदर एंड चाइल्ड टाइप डायनामिक मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। बट इनके इमोशंस काफी हिडन है गाइस, आपसे बहुत इमोशंस छुपाए हुए हैं, यहाँ तो बताए नहीं हुए, एक्सप्रेस नहीं किए हुए, इस पर्सन को शायद टाइम नहीं मिला, ज्यादा फोकस इसका काम पे रहा हुआ है, दैट्स व्हाई देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्या कुछ हो सकता है आपके इस कनेक्शन में, या आपके पर्सन जो है क्या नेक्स्ट मूव ले सकते हैं। दिस पर्सन इज अ रनर गाइस, ये भागा है इस कनेक्शन से, बिकॉज यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये जान छुड़ा के जैसे भागा है। वी हैव मास्क, नॉट शोइंग ट्रू फीलिंग्स, हाइट, प्रिटेंट, डिल्यूट, गैस लाइटिंग, या इन्होंने आपको अपने इमोशंस शो नहीं किए गाइस, जो ट्रू फील कर रहे थे वो नहीं आपको शो किए, तो ये फील है कि पर्सन प्रिटेंड करता रहा है कि इसके पास आपके लिए कोई इमोशंस नहीं है, बट रियलिटी कुछ हो रही थी, दैट्स वाई यहाँ पे हमारे पास नीचे हाई प्रिस्टिस की एनर्जी है। हीलिंग हार्ट, इनका हार्ट जो है वो अपने हील करने की पूरी कोशिश की जा रही है इस पर्सन की, शायद पास्ट में आपका कनेक्शन टॉक्सिक था, यस, या टॉक्सिक हो रहा था, काफ़ी एडिक्शन हो रही थी आपको इनकी, जिसकी वजह से टॉक्सिक कनेक्शन होने की वजह से ये इधर से मूव ऑन कर गए, ठीक है। और इनका हार्ट भी बहुत बुरी तरह से हर्ट है, जिसको ये हील करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और आपके अपने इमोशंस आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो मुझे लग रहा है नेक्स्ट सेक्शन में डेफिनेटली ये आपको अपने ट्रू इमोशंस बताएंगे। देन वी हैव अबंडेंस, 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 अपना इन्होंने माइंड सेट काफी पॉजिटिव रखा हुआ है, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स टू शो द ग्रेटिट्यूड टू द यूनिवर्स आफ्टर योर यूनियन। अबंडेंस चाहते हैं, यहाँ पे डबल कन्फर्मेशन हो चुकी है, यहाँ पे अपना माइंड सेट काफी पॉजिटिव है गाइज आप लोगों को लेकर, डेफिनेटली आपके हार्ट को भी हील करना चाहते हैं, इनको पता है इन्होंने आपको भी हर्ट किया। देन वी हैव क्यूपिड एरो, यस दिस पर्सन हैव फेथ, आपको सरप्राइज मिलेगा इनकी तरफ से, डेफिनेटली हेजिटेशन हो रही है इनको आपसे मीटिंग करने के लिए, बट आई फील लाइक कि आपको कहीं पे इनवाइट करेंगे, बहुत जल्द आपकी मीटिंग होगी, इनविटेशन आपको मिलेगा, सरप्राइजली यही
सरप्राइजली आपको इनवाइट करेंगे किसी जगह मिलने के लिए बिकॉज लव इज कमिंग गाइज, बिकॉज यहाँ पे क्यूपिड एरो की एनर्जी है. दिस पर्सन लव्स यू सो मच बिकॉज यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी है और रनर की यहाँ पे एनर्जी है. ये आपसे भागे हैं, इसने अपनी पहले ईगो को सुना है क्योंकि आपका रिलेशनशिप को डिपेंड हो रहा था. इस पर्सन को अटैच होने का काफी डर था, दैट्स वाई दे रन अवे फ्रॉम यू. बट नाउ दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स टू कम क्लोजर टू यू गाइज स्टेबिलिटी के लिए, बिकॉज इनको अब आपकी वैल्यू समझ आ गई है. दिस पर्सन फील्स कि आपका कोई ना कोई सोलमेट कनेक्शन है और आपसे दूर नहीं रहा जा सकता. सोल कॉन्ट्रैक्ट फील हो रहा है इनको आपके साथ बाय द वे. सो या कीप मैनिफेस्टिंग एंड हैव फेथ एंड स्टे पॉजिटिव. सो दिस इज योर रीडिंग. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. बाय.